सोलन का युवक रवि ठाकुर, जिसने ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय इसलिए आरंभ किया था ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन यही व्यवसाय उसके परिवार और रवि ठाकुर के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब वह ये व्यवसाय ही बंद करने की सोच रहे हैं। जब आप उनकी परेशानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब रवि हरियाणा से रेत लेकर आ रहे थे तब उसका रास्ते में चालान कर दिया गया और ये चालान 500 या 1000 रुपए का नहीं बल्कि 4.5 लाख रुपए का हुआ है। और ऐसा पहली बार नहीं बल्कि 6 माह में ये रवि के साथ दूसरा चालान है। अब तो रवि के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वह इस चालान को भुगत सके, इसलिए वे अब दोस्तों और रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर है ताकि वे अपना ट्रक हरियाणा पुलिस से छुड़ा पाए। रवि ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में भवन निर्माण सामग्री नहीं मिलती है, इसलिए उन्हें ये सामग्री लेने बाहरी राज्यों में जाना पड़ता है। वे ज्यादातर चल रही माइनिंग और गैर कानूनी रूप से चल रही हैं। मजबूरन उन्हें वहाँ से ही सामग्री लानी पड़ती है। वे GST का बिल तो देते हैं जो हरियाणा सरकार के अधिकारी नहीं मानते हैं, और वे विशेष रूप से हिमाचल की गाड़ियों को देखकर उनका भारी भरकम चालान काट देते हैं। उन्होंने बताया कि उनके 4 माह में 2 चालान किए जा चुके हैं जो करीबन 9 लाख के हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि वह इस मसले पर हरियाणा सरकार से कोई मध्यस्थता करे और कोई बीच का हल निकाले, अन्यथा परवन सोलन शिमला में भवन निर्माण की सामग्री पहुंचनी बेहद मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चालान होने की वजह से उनका पूरा परिवार मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है और वे अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे ये चिंता उन्हें सता रही है। मेरा नाम रवि ठाकुर है, मैं एक सोलन का रहने वाला हूँ और ट्रांसपोर्ट का काम है मेरा। बेसिकली मैं मटेरियल सप्लाई करता हूँ, बट आजकल दिक्कत ये आ रही है कि मेरे 6 महीने में 2 चालान हो चुके हैं 4.5 लाख के, और ये हरियाणा में हुए हैं सारे ओवरलोड माइनिंग के। अब हमारे पास रास्ता नहीं है कोई भी नहीं कि हम जेन्युइनली काम कर सकें। अगर हम क्रेशरों पे जाते हैं वहाँ से पूरा बिल नहीं मिल पाता है, और जो हमारी गाड़ियाँ कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है वो 850 फीट की है, उसमें ओवरलोड माल आएगा ही आएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमने कोई मतलब अपने आप सेल्फ बिल्ट भी नहीं है हमारी जो गाड़ी की बॉडियाँ हैं, तो अगर हम पूरा माल डालते हैं तो हमारे चलान कर दिए जाते हैं। अगर हम ना डालें 400 फीट में हम ना लोगों को क्या अगर कोई गरीब का आदमी काम लगाता है अपने घर का, जैसे करवाता है कोई भी, तो अपना काम वो मतलब जो आज की डेट में 35 रुपये में माल आ रहा था वो 60 रुपये में चला जाएगा, डबल हो जाएगी कॉस्टिंग, तो वो कैसे बियर करेगा। एक तरफ से तो कहा जाता है कि जी आप काम करो, ये गवर्नमेंट आपका साथ देगी, पर हमारी कोई बात ही नहीं सुनता है। आधे जैसे हरियाणा से गाड़ियाँ आती है वो सारी ओवरलोड आती है, या तो सारी गाड़ियाँ अंडरलोड आए, हरियाणा गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट दोनों मिलके कुछ एक मतलब बीच का पॉइंट निकाले ना, कि जिसमें एक गरीब बंदा भी ना मरे और एक हम भी सेफ रहे ट्रांसपोर्टर्स। क्योंकि अगर हम अंडरलोड चलते हैं ना तो हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं निकाल पाते हैं। अब मेरी एक गाड़ी की इंस्टॉलमेंट 90,000 है मंथली, इंश्योरेंस ईयरली 1 लाख के आसपास बैठती है। हमारे वो ही खर्चे पूरे नहीं हो पाते, टायर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते, तो हम कहाँ से कमाएं और कैसे अंडरलोड चला के कैसे लोगों को मटेरियल सप्लाई करें और कैसे खुद को अपने घर चलाएं। मांग क्या है आपकी? मांग ये कि अगर गवर्नमेंट या तो दोनों हिमाचल की और हरियाणा की गवर्नमेंट इकट्ठे होकर कोई सोल्यूशन निकाले कि जिससे गरीब लोगों को भी मटेरियल भी मिल जाए और काम भी बन ना हो और हम भी सेफ रहें। ये ना हो कि हम अब जैसे मैंने 6 महीने में 4.5 लाख के 2 चालान कर दिए हैं, अब मैं ये जो 8 लाख रुपए ये मैं कभी भी कवर नहीं कर पाऊंगा। मेरे घर वाले तो 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सो भी नहीं पा रहे हैं। अब 4 लाख रुपए किसी का देना मतलब बहुत बड़ी बात है। आप गाड़ियाँ चला के देखो एक बार, मतलब इतने बुरे हाल है कि पहले तो ड्राइवरों से बचाना मुश्किल है, फिर आगे इतना कंपटीशन है कि जिसका हम कोई वो ही नहीं है। हरियाणा से सारी ओवरलोड में जो 600 फीट की गाड़ी मतलब कंपनी की बॉडी बनी हुई है उसमें 800 फुट का माल लेकर आती है वो, तो हम कहाँ कंपटीशन कर पाएंगे। अब उनके पास तो सोर्स ही है कि वो गाड़ियाँ निकाल सकते हैं। अब जो हिमाचल का जाएगा उसकी तो गाड़ियाँ भी निकालनी मुश्किल है, वहाँ से क्रेशरों से पूरे बिल देते नहीं हैं, जो भी बिल देते हैं वो हाफ देते हैं जितनी हमारी गाड़ी पास है, उससे ज़्यादा का कोई बिल नहीं मिलता है हमें। जो अपने टिपरा लगता है हिमाचल की बाउंड्री के साथ लगता है,
उसमें क्या है, उनके पास कोई वैलिड वो नहीं है, बिल्स नहीं है, माइनिंग के कोई फॉर्म नहीं है जो मतलब हम आगे दिखा सकें कि अगर हम हिमाचल में एंटर करते हैं तो फिर वो हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट पूछता है कि ये हमारे पास जीएसटी की तो कोई वैल्यू नहीं है। हिमाचल में सर काम क्या, हिमाचल गवर्नमेंट के पास स्पेशली फॉर सोलन एंड शिमला के लिए तो सर मटेरियल ही नहीं है, क्रेशरी कितने हैं जहाँ से सैंड और ये अपना 1020 आ सके। और इस टाइम सबसे ज़्यादा सबसे बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल में जो चल रहे हैं वो सोलन में और शिमला में ही है। एक देखो आपका जीआर का 4 लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है, जितना भी मटेरियल आ रहा है आपका सारा हरियाणा से आता है।